हिमाचल मेडिकल पेंशन योजना में सरकार ने बढ़ाई सही योगदान राशि। अब औषधीय पौधों की खुशबू से महकेंगे हिमाचल के स्कूल, बनेंगे हर्बल गार्डन। अब खबरें विस्तार से। अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार ने सहयोगदान राशि बढ़ा दी है। इसे 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए सालाना किया गया है। इसका लाभ मनरेगा कामगारों, किसानों, कृषि श्रमिकों, दुकानदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत लाखों लोगों को होगा। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार 50% तक सहयोगदान देती है। इसके लिए खुद लाभार्थी को 50% अंशदान देना होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में बजट घोषणा भी की थी। अब इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था को 31 मार्च 2023 तक लागू किया गया है। धर्मशाला स्थित विधानसभा भवन के गेट और दीवारों पर खालिस्तानी झंडे लगाने के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी होने के बाद शिमला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेशन परिसर में आने वाले हर व्यक्ति पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के रेलवे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद हैं। रेलवे सुरक्षा बल सीसीटीवी कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार को रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला और मंडी राज्य विश्वविद्यालय में कॉलेजों का बंटवारा कर दिया है। शिमला विश्वविद्यालय में 165 और मंडी विश्वविद्यालय में 137 सरकारी और निजी कॉलेज शामिल किए गए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कॉलेजों के बंटवारे को मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिला सहित 5 जिले मंडी विश्वविद्यालय और 7 जिले शिमला विश्वविद्यालय में शामिल किए गए हैं। शिमला विश्वविद्यालय में शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, बिलासपुर, किन्नौर, ऊना के कॉलेज आएंगे। मंडी विश्वविद्यालय में मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के कॉलेज आएंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस हाथ का निशान ही होगा। पहले विधायक चुनकर आएंगे, उसके बाद केंद्रीय हाईकमान मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर भी विस्तृत उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लीडरशिप को लेकर फैसला हो गया है और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सीएलपी नेता और प्रचार समिति के चेयरमैन के तौर पर 3 लोगों पर चुनाव की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को एकजुटता के साथ पूरा करेंगे। पुलिस भर्ती लीक मामले को लेकर हरोली कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदर्शन की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरोली में रैली निकाली और पुलिस परीक्षा पेपर लीक होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा से पेपर लीक होने पर भाजपा की सांठगांठ होने का आरोप जड़ा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के करीब 74,000 युवा पुलिस में भर्ती होने के अरमान देख रहे थे, लेकिन सरकार के पेपर लीक घोटाले ने युवाओं के सपनों को तोड़कर रख दिया है। राज्य विद्युत परिषद बोर्ड लिमिटेड के 2 दर्जन के तकरीबन पनविद्युत परियोजनाओं की टरबाइनें खूब घूमी हैं। गर्मियों में ग्लेशियरों के पिघलने से नदी नालों में पानी का प्रवाह अधिक हुआ है, जिसके चलते अप्रैल महीने में तय किए लक्ष्य से 15.257 MU अधिक विद्युत उत्पादन हुआ है, जो कि हिमाचल प्रदेश के लिए राहत की बात है। अप्रैल महीने में राज्य विद्युत परिषद के अधीन आने वाले 2 दर्जन के तकरीबन पनविद्युत परियोजनाओं में 154.76 MU उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे गर्मियों के इस मौसम में पानी की बहाव अधिक होने से और ग्लेशियरों के पिघलने से 170.17 MU बिजली उत्पादन हुआ है, जो कि तय किए गए लक्ष्य से 15.257 MU अधिक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग 13 से 15 मई तक धर्मशाला में होगा। इसमें भाजयुओं के देशभर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि होंगे। खास बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में टीम इंडिया के मुख्य कोच मिस्टर भरोसेमंद यानी राहुल द्रविड़ और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान बबीता फोगाट कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। प्रदेश के स्कूल अब हर्बल पौधों की खुशबू से महकेंगे। साथ ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के गुण बताए जाएंगे। राज्य मेडिसिन प्लांट बोर्ड के सहयोग से इस कार्य को सिरे चढ़ाया जाएगा। पहले चरण में हिमाचल के 136 स्कूलों का चयन हर्बल गार्डन बनाने के लिए किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 स्कूलों का चयन किया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक संजीव सूद की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
सूखे जैसी स्थिति से बर्बाद हुए लहसुन उत्पादकों को बीज की खरीद जितनी कीमत भी मंडी में नहीं मिल रही है। किसानों ने 12,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद कर लहसुन का बीज खेत में लगाया था। शुरुआती सीजन में किसानों को लहसुन के 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिल रहे हैं। यदि 1 क्विंटल बीज लगाकर 5 क्विंटल का उत्पादन भी होता है तो भी इसके मात्र 10,000 रुपए ही मंडी में मिलेंगे। 2,000 रुपए के नुकसान के साथ कैरेज का खर्च भी किसान को अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। इस वर्ष सूखे जैसी स्थिति की वजह से लहसुन का आकार पर्याप्त नहीं बन पाया है, इस कारण किसानों को मंडी में डिग्रेड का रेट मिल रहा है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सत्र 2022-23 से 5 नए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने की अधिसूचना जारी हो गई है। MSc एनवायरमेंटल साइंस, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब विद्यार्थी मंडी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कर सकेंगे। 14 मई को इन PG कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में होगा। जून में 195 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी और उसके बाद जुलाई में मंडी विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।